आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ऑक्टोपैड मेनिया। दोस्तों, लेके आ गया हूँ एक बहुत सुंदर सा पैच और उसमें आप किसी भी दुगन पैटर्न में इसको बजा सकते हैं और अकेले भी आप यहाँ अगर पैड इसको प्ले करेंगे किसी भी गाने पे तो आप बिल्कुल इसको अकेले भी बजा लेंगे। और दुगन का बहुत ही अच्छा पैच है। मैंने इसमें चाटी में ढोल की चाटी लगा रखी है, ढोलक की चाटी लगा रखी है, तबले की चाटी लगा रखी है और एक स्नेयर लगा रखी है, लेकिन पैच बजता है दुगन में बहुत ही अच्छा। तो आइए उसको प्ले करके देख लेते हैं और इसको थोड़ी सी इसकी बारीकियाँ भी बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत से गानों में बिल्कुल सेम पैच ये बजा हुआ है और अगर मैं कहता हूँ बिना ढोलक के भी आप इसको प्ले करेंगे तो एकदम ये भर के आने वाला है, और ढोलक के साथ करेंगे तो बेस और परकेशन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इस पैच में आपको मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो पे और देखिए किस तरीके से हमें इसे प्ले करना है। 1 2 3 4 दोस्तों, ये तो था इसका जो है हमारा ढोल का पैटर्न कि किस तरीके से हम इस पर ढोल बजा सकते हैं। और अगर आप इस पर और भी कुछ बजाना चाहें, मान लीजिए ढोल की चाटी के अलावा आप इस पर ढोलक की चाटी बजाना चाहें तो वो कैसे बजेगी, बिल्कुल सिंपल सा है। 1 2 3 4 तो इस तरीके से हमारी ढोल की चाटी भी इस पे बहुत अच्छे से बज जाती है, ढोलक की भी। अब आइए, एक मैंने तबले का भी इसमें लगा के देखा था और अच्छा लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 तो इस तरीके से ये हम इसमें तबले की चाटी को भी लगा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बजा के दिखाता हूँ, कुछ अलग सा है ये। तबले की और ढोलक की चाटी जब हम साथ बजाएंगे वो भी बहुत अच्छी लगती है। आइए देखते हैं किस तरीके से। 1 2 3 4 और इसी में ढोल करते हैं हम। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम इसमें अलग अलग वेरिएशन से इसको बजा सकते हैं। और आपको अभी यहाँ सिंगल चाटी सुनाई दे रही है, मैं आपको इसको डबल करके दिखाता हूँ। इसमें डिले खोल लेंगे और आप देखिए कि कितना अच्छा जो है इसका साउंड आएगा। 1 2 3 4 आपको फर्क इसमें दिख रहा होगा पहले वाले में। देखिए इसको अगर हम बंद करके बजाएंगे तो किस तरीके का दिखाई देगा। 1 2 3 4 ये यहाँ पे सिंगल चाटी बज रही है ढोल की, और इसको अगर हमें डबल करना है, कई लोग ये वाला चाहते हैं, तो यहीं से आप डिले लगा लीजिए और बजाने का पैटर्न बिल्कुल सेम है। देखिए और एक दो गाने भी मैं आपको बता देता हूँ और इसमें किस तरीके से ये बजेगा वो भी दिखा देता हूँ। एक गाना है, मैं उसको गुनगुना देता हूँ, मुझे बोल याद नहीं है। 1 2 3 4 और आप एक गाना है वो भी शायद आपने सुना होगा, उसको भी हम बजा के देख लेते हैं।
इस तरीके से दोस्तों इसके बजाने का रहता है। और मैं आपको बता देता हूँ, कितना भी आप इसको फास्ट कितना भी स्लो बजा सकते हैं, बिल्कुल रिदम नहीं कटती। और इसमें सबसे अच्छी बात है, आप इसको हिंदी गानों पे, पंजाबी गानों पे, ढोल वाले गानों पे या फिर सिंपल दुगन में भी इसको बजा सकते हैं। तो बजाने का इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसको आप प्ले करिए और आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं इस पैच की एडिटिंग आपको ज़रूर दे दूंगा। इस वीडियो पे आप आते ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।